हेलो दोस्तों, आप हैं दीपक कुमार के साथ और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको अपने एग्जाम में कैसे तैयारी करनी है। लोगों, एग्जाम आने वाले हैं दोस्तों, और ये एग्जाम कोई छोटे मोटे दिन के नहीं है। ये एग्जाम कम से कम 12 दिनों के हैं और आपको इस समय रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से करना होगा, क्योंकि आपका रिवीजन ही आपको बेस्ट बनाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपका रिवीजन ही आपको बेस्ट बनाएगा। इफ यू नॉट डू रिवीजन, यू कैन नथिंग डू। या ध्यान रहे, आपके बड़े आपसे पढ़ने की कहेंगे, लेकिन आपको पढ़ना होगा। आपके बड़े आपके समझदारी के लिए कहेंगे। उस समय उनकी बातें हमें बुरी लगती हैं, लेकिन वो जो बात कहते हैं वह उनकी बातें 100% सत्य होती हैं। इसलिए दिमाग चकरगिन्नी ना बने, अपने आप को कन्फ्यूजन में ना डालें और ध्यान से बैठकर अकेले में सोचें कि जो हमारे बड़े हमसे पढ़ने के लिए कहते हैं वो हमारी भलाई के लिए कहते हैं, क्योंकि जो हम पढ़ेंगे ना वो हमको आएगा। ध्यान रखना, दुनिया की सारी चीज़ों में हिस्सा हो जाता है, लेकिन एक पढ़ाई एक ऐसी सब्जेक्ट होती है जिसमें कोई हिस्सा नहीं होता है। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। हमारे बड़े बूढ़े हमसे जो कहते हैं पढ़ने के लिए वो सही कहते हैं, लेकिन हम उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जब हमसे कोई बड़ा हमसे पढ़ने के लिए कहता है तो हम उनको ये सोचते हैं कि यह हमारा दुश्मन है, इससे बड़ा हमारा कोई दुश्मन है ही नहीं, जबकि सबसे बड़े दोस्त वही होते हैं जो हमसे पढ़ने के लिए कहें। ध्यान रखना, लेट कर पढ़ने से याद नहीं होता, लेट के पढ़ने से टाइम बर्बाद होता है और नींद आती है, इसलिए ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। और एक बार दिमाग में सोचो, जब दिमाग में कुछ जाएगा, किताबें ज्ञान में तब आएंगी दिमाग में, जब आप अकेले होंगे, अकेले में बैठ के जब आप पढ़ना सीखेंगे तो 110% आपको याद होगा। लेकिन ये करना आपको अकेले में होगा। आपका माइंड आपका सब कुछ है और आपका माइंड में ही सारी किताबों का समावेश है, इसलिए जो भी आपको पढ़ना है अकेले में पढ़ना होगा, अकेले में ही सब कुछ करना होगा। ध्यान रखना, जब स्कूल में मार पड़ती है तब भी हम अकेले होते हैं, जब हमें शाबाशी मिलती है और तब भी हम अकेले ही होते हैं। इसलिए हमें अकेले ही एग्जाम की तैयारी करनी है। एग्जाम से डरे ना, एग्जाम का नाम लेते ही लोगों की हवा निकल जाती है, अब क्या करें। ध्यान रखना, अभी भी बोर्ड में तैयार होने में, बोर्ड के एग्जाम में 2 महीने बाकी हैं, यानी 2 महीने 24 घंटे एक दिन में होते हैं। उन 2 महीने को आप 4 महीने में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन इसलिए के लिए आपको पढ़ना होगा। बहुत से बच्चों ने अभी सिलेबस ही तैयार नहीं किया होगा, उनका सिलेबस अभी आधा होगा, इसलिए सिलेबस तैयार करने के लिए सोचे ना, विचारे ना, और सिर में दिमाग पे सिर रखे कभी ना पढ़ा करें। यह कोई सही तरीका नहीं है। ध्यान रखना, इस तरीके से पढ़ने से याद नहीं होता है, केवल कन्फ्यूजन होती है कि यह क्या हो गया है। इसलिए ऐसी कन्फ्यूजन में ना पढ़ें, इसलिए सोचें, विचारें और सोचें, चारों तरफ अपने चारों तरफ पढ़ाई के यही नोट्स बना के डालने हैं। देखिए, ये सारे नोट्स डले हुए, इसी तरीके से आपको सारे नोट्स पढ़ा के डालने हैं। ध्यान रखना, लिखने से बहुत चीज़ें याद होती है, हमारा राइटिंग सही होता है, इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। जिस चीज़ को भी पढ़ें उसको लिखें, हम समझें। जब हमें कोई चीज़ दिखाई जाती है तो उसकी दिमाग में घंटी बजती है और हमारे वो दिमाग में चलता है। जब वो दिमाग में चलता है तो उसकी छाप हमारे मस्तिष्क में बन जाती है। उसी तरह हमें भी पढ़ना है, हमें जो लिखना है उसकी छाप हमारे माइंड में बन जाती है, इसलिए पढ़ें, उसको समझें और देखें। लेकिन अंत में मेरे दोस्तों, एक फैसला करें कि जो आपने पढ़ा है, जो आपने देखा है, उसको लिखना शुरू कर दें और एक पेन ले लें और लिखें। जब लिख डालें तो अपने आप को ऐसा ना मायूस ना समझें, उसकी खुशी मनाएं, एंजॉय करें, यू कैन डू इट, ऐसा संबंध में सोचें। जब खेलने की खुशी मनाते हैं दोस्तों, तो यार पढ़ने के नाम पर दुखी क्यों हो जाते हो? पढ़ने के नाम पर अपने आप को मुंह क्यों फुला लेते हो? जब घर वाले हमसे पढ़ने के लिए कहते हैं तो हमारे अच्छे के लिए कहते हैं, तो इसलिए अपने परेशान होने क्या बात है। और सर पर लोग किताब रख के बैठ जाते हैं, जैसे जाने कितना बड़ा पाल टूट गया वो पढ़ने की कह दी, क्या यह क्या है? यह सही नहीं है। ध्यान रखना, किताबें सर पर बोझ नहीं होती हैं, किताबें भविष्य का संवारने वाली एक दर्शक होती है, इसलिए किताबों को बोझ न समझें और जब पढ़ लें तो खुशी से इंजॉय करें और मन में सोचें कि आज हमने याद कर लिया, उसकी खुशी मनाएं। जब खेल से जीतते हैं तब खुशी मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? उसी तरह खुशी मनाएं। जिस तरीके से तस्वीर है, सेम इसी तरीके से मन में फीलिंग्स करें कि हमने जो कुछ किया है बेटर किया और आज हमने बहुत कुछ अच्छा कर दिया। इसलिए अपने आप को अच्छा सोचें और अच्छा करने की कोशिश करें। और जहां तक वो कंपटीशन में पढ़ने की तैयारी करें, जहां तक वो 1 से 2 हो जाए, लेकिन 2 से ज़्यादा ना, 2 से खिचड़ी पड़ती नहीं है, और अपने आप को तैयारी करें। ध्यान रखना, 2 में कंपटीशन बनता है। जब किसी भी चीज़ में कंपटीशन बनता है, कोई भी प्रोडक्ट माल में बाजार में आता है तो जब कंपटीशन बनता है तो ठीक रहता है। और ध्यान रखें, इस तरीके से लेट कर कभी ना पढ़ने की आदत डालें। जीवन में भी इस तरीके से पढ़ने की आदत ना डालें, क्योंकि जो लेट कर पढ़ते हैं उन्हें याद नहीं होता, वो केवल टाइम पास करते हैं दोस्तों। इसलिए लेट कर पढ़ने की कभी आदत ना डालें। ध्यान रखना, हमारे जीव जो होते हैं
कब हम जब हम सोचते हैं तो हमारी नर्वसें उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इसलिए कभी भी आदत ना डालें, इसलिए हमेशा ध्यान रखें, पढ़ें तो अकेले में पढ़ें। दिमाग की घंटी बजाएं जैसे अभी इसमें बज रही थी, और सोचें कि जो हमें पढ़ना है वो अकेले पढ़ना है, जो हमें करना है वो अकेले करना है। एग्जाम में नंबर आने हैं हमारे, अकेले आने, और हमें टॉप करना है। हमेशा टॉप बनने के लिए सोचें। जब आप फर्स्ट की सोचेंगे ध्यान रखना, तब सेकेंड आओगे, और जब सेकेंड की सोचोगे तो थर्ड आओगे, और जब थर्ड की सोचोगे ना तो मेरे दोस्तों फेल हो जाओगे, फेल फेल। इसलिए हमेशा टॉप होने की सोचें। जब भी एग्जाम में बैठे माइंड को फ्रेश करें और दिमाग में टेंशन ना लें, ये ना सोचेंगे एग्जाम आ गए अब क्या करें, अब क्या ना करें। अभी भी समय है, कुछ नहीं बदला है। अपने आप को संभालो और अपने आप को सोच के सागर से बाहर निकालो, और बाहर निकल के पढ़ने की तैयारी करो। और अभी से कॉपी उठाओ, कलम उठाओ, मेरा वीडियो तो आपने देख ही लिया है, फिर क्या है। अब कॉपी उठाओ, कलम उठाओ और पढ़ने बैठ जाओ, पढ़ो उसको, लिखो। देखो इसी तरीके से आपको भी पढ़ना चाहिए। सामने चाय रखिए तो रखी रहे, भूल जाओ उसको चाय को, और सोच विचार में अपना समय बर्बाद मत करो, अपना ध्यान रखो, ठीक है।